चमतपुर नाम के गांव में चकमा नाम का एक शिकारी रहता था। वो हर रोज पास वाले जंगल में जाता था और वहाँ के पक्षियों का और हिरणों का शिकार करता था। साथ साथ वहाँ जो पेड़ पर फल उगते उन्हें काटकर और शहद को लेकर आकर बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। चकमा की एक पत्नी और बच्चे थे। उसका पड़ोसी था दामोदर, वो एक ढाबा चलाता था। दामोदर बड़ा कंजूस था और साथ साथ लोगों को ठगने की आदत थी। चकमा जंगल में जंगली मुर्गियों और हिरणों का शिकार करता, उन्हें लाकर दामोदर को ही बेचता था। दामोदर चकमा को कम पैसे देता था। चकमा जब उससे पूछता तो दामोदर हंस के अरे चकमा, क्या तुम नहीं जानते कि जंगली हिरणों का और मुर्गियों का शिकार गैर कानूनी है? जानते हो तुम इसके लिए जेल के अंदर कितने साल तक पड़े रहोगे? अरे मैंने सोचा अपनी दोस्त की मदद कर तू, और तुम हो कि ज्यादा पैसे मांगते हो है? ये कोई तरीका है? अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसे परेशान किया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ। इस तरह उसे धमकाता था। बाद में उन हिरणों का अच्छा पकवान बनाकर ज्यादा दाम में लोगों को बेचता था। खाइए साहब खाइए, ये जंगली हिरणों का मांस है, मैंने खास तौर पर आपके लिए मंगवाया था। हाँ। दोबारा जब मेरे हाथ लगेगा अब मैं आपको खबर कर दूंगा। आप खुशी खुशी खाइए साहब। फिर दूसरे आदमी से, हजूर आपको ये जंगली मुर्गी का मांस कैसा लगा? बढ़िया है ना? दोबारा जब मुझे मिलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। यूं वो अपने ग्राहकों से कहता। एक दिन जब चकमा जंगल गया तो वो रास्ता भटक गया। अंधेरा हो चला था, उसे रास्ते का पता नहीं चला, इसलिए वो वहीं फंस गया। उसे वो रात वहीं गुजारनी पड़ी। सवेरे जब वो नींद से जागा उसे बहुत भूख लगी थी। उसने आसपास नजर दौड़ाया तो उसे वहां एक जंगली मुर्गा दिखाई दिया। उसने अपना तीर उस मुर्गे की ओर चलाया, वो तीर सीधा मुर्गे के ओर गया, लेकिन आखिरी क्षण में उसने दिशा बदला और पास वाले पत्थर से जा टकराया। ये देखकर चकमा हैरान रह गया। उसने अपने तीर कमान को जांचा और फिर उसने दोबारा एक तीर चलाया, वो तीर भी एक हिरण की ओर गया और आखिरी क्षण में दिशा बदल कर पास वाले पत्थर से जा टकराया। चकमा और हैरान हो गया। इस तरह उसने कई तीर चलाए लेकिन सबका यही हाल रहा। तब चकमा उस पत्थर के पास गया और वहाँ से अपने तीरों को उठाते हुए उस पत्थर की ओर हैरान होकर देखने लगा। तब वो पत्थर, वत्स, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, चाहे तुम जितना मेहनत कर लो अब से तुम इस जंगल में एक भी प्राणी का प्राण नहीं ले सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तब चकमा ने उस पत्थर को प्रणाम किया और कहने लगा, माँ मुझे माफ करो लेकिन शिकार करने के अलावा मैं और कोई काम भी तो नहीं जानता। हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आए हैं। अगर मैं शिकार ना करूं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे शिकार करने का कोई शौक नहीं है लेकिन और कोई काम भी तो नहीं जानता। आज तक मैंने जानवरों का शिकार जरूर किया है लेकिन उनका मांस मैंने कभी नहीं खाया। मुझ पर करो और मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो माँ, कहकर उसने मिन्नत की। तब वो पत्थर, तुम्हारी बात भी सही है, तो चलो एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जो भी मांस लाकर मेरे ऊपर रखोगे मैं उसे पकवान के रूप में दूंगी, इस तरह तुम पैसे कमाओ और खुश रहो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम इस तरह जो भी पैसे कमाओगे उसमें थोड़ा भाग गरीबों को दिया करो। चलो आ जाओ मेरे ऊपर बैठो। इस तरह चकमा ने उस पत्थर को प्रणाम किया और उसके ऊपर बैठा। बस वो पत्थर हवा में उड़ी। और सीधा चकमा के घर के पास जाकर उतरी। चकमा ने जो कुछ हुआ अपने परिवार वालों को बताया। उस दिन से चकमा ने अपने घर के सामने उस पत्थर को रखा और वहाँ पर घर के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, फूड ऑन रॉक, पत्थर का खाना। ये बोर्ड देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे। तब चकमा ने उस पत्थर को एक चूल्हे के ऊपर रखा। लोग हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे थे। चकमा और उसके परिवार वालों ने मिलकर उस पत्थर के ऊपर बकरी का गोश्त, चिकन सब रखने लगे। वो गोश्त अच्छी तरह पकने लगा। तब चकमा ने वो गोश्त लोगों में परोसा। वो खाकर लोग हैरान रह गए, वो बहुत स्वादिष्ट था। इस तरह लोगों को चिकन ऑन द रॉक की आदत पड़ गई।
इस तरह कमाए हुए पैसों में से चकमा कुछ पैसे गरीबों में बांटता था और उनके लिए अन्नदान करता था। ये सब देखकर दामोदर को जलन महसूस होने लगी। इस कमीने की वजह से मेरा सारा धंधा ठप हो गया, इसी तरह इसके धंधे को बंद करना होगा। यूं सोचकर उस दिन रात को वो एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उस पत्थर के पास गया और हथौड़े से पत्थर को मारने लगा, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल नहीं टूटा। हथौड़ा मार मार कर दामोदर थक गया। तब पत्थर, क्यों रे कमीने, पड़ोसी की तरक्की देखी नहीं जाती? तुम जैसे लालची और स्वार्थी की वजह से ही समाज का ये हाल है। अगर दोबारा तुम यहाँ दिखाई दिए तो तब मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहकर उछल उछल कर पत्थर दामोदर को मारने लगी। बस दामोदर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब से चकमा और उसके परिवार वाले उस पत्थर पर मटन और चिकन बनाकर बेचते हुए पैसे कमाने लगे और खुश रहने लगे।